यूं तो बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी खबरें हम आप तक पहुंचा ही देते हैं, लेकिन आज के इस खास खबर में हम आपको काफी इंटरेस्टिंग खबर से रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल एक वीडियो काजोल और शाहरुख खान का सुर्खियों में आ चुका है और इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से काजोल, शाहरुख और रानी मुखर्जी एक साथ बैठे हुए हैं कॉफी विद करण के शो में, जहां देखने को मिल रहा है कि करण शाहरुख से और काजोल से ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर 8 से 10 साल बाद शाहरुख का बेटा और काजोल की बेटी नियासा एक दूसरे के साथ भाग गए तो उस पर काजोल का क्या रिएक्शन होने वाला है, जिस पर काजोल कहती हुई नजर आती हैं कि दिलवाले दुल्हा ले जाएंगे और इस सरकाज़म को नहीं समझ पाते हैं शाहरुख खान, जिसके बाद काजोल उन्हें इस बात को समझाती हुई नजर आती हैं, जिस पर शाहरुख कहते हुए नजर आते हैं कि वो काजोल को अपनी समधन के रूप में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काजोल वैसे ही बहुत ज़्यादा मजाकिया है। जी हाँ, काजोल के रवैये को तो आप और हम काफ़ी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि कई सारे रियलिटी शोज़ और कई सारे शोज़ में वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी करती हुई नजर आती है और उनकी हंसी काफ़ी ज़्यादा फेम बटोरती है। वो आपका क्या कहना है इस अपडेट पर, अपने कॉमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएँ।